नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने हमला बोल रखा है और वो चाहते हैं जितना जल्द हो हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दें। इस्तीफा ना सही, लेकिन राज्यपाल के फैसले की वजह से, कानूनी दस्तावेजों की वजह से, कानूनी मामलों की वजह से उनकी सरकार गिर जाए। और उन्होंने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को भी इंक्लूड करते हुए कई बड़े दंग करने वाले खुलासे किए हैं, जिसको सुनकर हर कोई हैरान है, परेशान है कि आखिर इन्होंने ये क्या कह दिया। इन सब के बीच आपको जानकारी दे दे कि बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से आरोप लगाए सोरेन परिवार के खिलाफ और कह दिया कि आज नहीं तो कल इनको सजा मिलेगी, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प मामला हो चला है झारखंड की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए। दरअसल आपको पूरी जानकारी दे, आप हमारी खास रिपोर्ट देखिए कि कैसे बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर हमला बोला, जिसके जरिए आप पूरा राजनीतिक समीकरण समझ पाएंगे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर अघोषित संपत्ति अर्जित करने और सबसे ज्यादा CNT SPT एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आज नहीं तो कल उनके लिए कहीं ना कहीं सजा, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं जोर मिलते नजर आएगी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी लगातार सोरेन परिवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोल रहे हैं। संथाल दौरे के क्रम में जामताड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर कड़ा प्रहार किया है। बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और सबसे ज्यादा SPT एक्ट, CNT एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक किसी ने CNT SPT एक्ट का उल्लंघन नहीं किया है, अगर किया है तो वो सोरेन परिवार है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पद के दुरुपयोग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सजा मिलेगी, उन्हें उनकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। अपने नाम से लीज करवाया है, अपनी पत्नी के नाम से जमीन लीज करवाया है, यहाँ तक 108 अघोषित संपत्ति अर्जित करने का आरोप बाबूलाल ने CM पर लगाया है। आगे उन्होंने कहा कि इन सब संपत्तियों का दस्तावेज चुनाव आयोग से छिपाया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव आयोग को जिस दिन इनके बारे में सूचना दी जाएगी उसमें सुनवाई होगी और उनके परिवार वालों की सदस्यता रद्द हो जाएगी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, शिव सोरेन हो और उनके परिवार की सीता सोरेन हो या बसंत सोरेन। बाबूलाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यही कारण है कि मुख्यमंत्री डर से हड़बड़ में गड़बड़ करते जा रहे हैं। झारखंड में विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। मुख्यमंत्री पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में लगे आरोप हो या फिर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति सरकार द्वारा लिया गया निर्णय हो, हेमंत सरकार के फैसले की निंदा कर रहे हैं और इसको लेकर पुरजोर सियासत भी हो रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार में सोरेन परिवार पर लगातार हमला बोल रही है। देखा आप सबने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सोरेन परिवार के खिलाफ है। उन्होंने सबका जिक्र कर दिया, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, सीता सोरेन। उन्होंने कहा कि सबका पद बर्खास्त होगा, सबको इनके पदों से हटाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो झारखंड की राजनीतिक स्थिति पूरी तरीके से डामाडोल होती नजर आएगी। लेकिन अब देखना यही दिलचस्प है कि हेमंत सोरेन इनके जवाबों का डटकर सामना कैसे करते हैं, क्या पलटवार होगा और पलटवार होगा तो किन मुद्दों को लेकर। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।